फैमिली गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, क्या है आप सभी के, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस प्रसून। तो दोस्तों आज सुबह हो प्यारी सी सुबह में, मतलब जो हमारी शुरुआत हो रही है ब्लॉग की वो किचन में हुई है, क्योंकि गाइस आज था कि भाई ब्रेकफास्ट में बनेगा मैगी। तो मैंने सोचा कि भाई मैगी मेरे से अच्छा कौन बना सकता है, इट्स अ ड्रीम। मुझे मतलब मेरे हाथों का सभी को अच्छा लगता है, प्योर वेज मैगी बना रहा हूँ। बाकी मनीषा भी मेरे साथ, मनीषा लंच के लिए जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ प्रिपेयर कर रही है, दाल वाल से कुछ बना ली धीरे धीरे। और अभी 10 बज गए हैं गाइस, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। लेट उठने का रीज़न है क्योंकि गाइस जो 2 बजे सोएगा वो कब उठेगा, आप समझ सकते हैं। काम वाम हो गया काफ़ी सारा, बहुत सारा। बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए गाइस। चैनल है को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग को मैगी बन जाती तो मैं दिखाता हूँ कितना टेस्टी यम्मी दिखेगा। कैसा लगता है मनीषा मेरे हाथ का मैगी? उनको दूध वाली चाय पिला दिया जाएगा। तो बाकी गाइस हमारा मैगी अभी बॉइल्ड हो रहा है, बहुत मजा आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये रहा, देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है, टेस्टी। बाकी आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहे और आई होप आज क्लासेस भी है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगा। फिर एक स्टूडेंट को बुलाया हूँ, उसके साथ जाना भी है एक जगह, थोड़ा सा काम भी है, कुछ कुछ चीज़ें लेकर आ रही हैं, जैसे नेल कटर वगैरह ये मिल नहीं रहा। और हम लोग रूम शिफ्ट किए तो पता नहीं कहाँ है, और मेरे नेल भी बढ़ चुके हैं तो इसलिए आज थोड़ा सा कुछ कुछ काम भी करना होगा मार्केट में मुझे। बट एनीवे आप लोग बने रहे ब्लॉग में, थोड़ा मैं लपेट लूँ ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आया हूँ अपने एक स्टूडेंट के घर पे, पास में ये जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी मिली क्योंकि आपको पता है मुझे पेट से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो अभी मुझे एक मिला पिटबुल। आजा, ये देखिएगा इतना प्यारा है, हे हे हे, बहुत प्यारा डॉग है गाइस, बहुत प्यारा डॉग है। ए टाइशन टाइशन टाइशन, बहुत प्यारा यार पिटबुल है ये, और अभी 6 मंथ्स है हुए हैं इसके। हे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इसके घर पे। अभी मैं उस लड़के को भी दिखाता हूँ, राघव को। बाकी ये देखो गाइस, ये बहुत प्यारे प्यारे खरगोश हैं, 2 खरगोश हैं। आजा, हे क्या नाम है खरगोश का, क्या नाम है, नाम नहीं है गाइस? ये कह रहा खरगोश का तो नाम हम नहीं, बट मैंने नाम रखा था, मेरे पास 2 खरगोश थे, एक का नाम ओडियो रखा था, एक का नाम हनी रखा था, मेल और फीमेल थे, बहुत ही प्यारे पेट्स थे। बाकी यहाँ पर देखो गाइस देसी मुर्गे, और गाइस बहुत ही मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। आप देखिए घर के में एकदम इसके मतलब नीम का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारे इतने सारे पेट्स हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए मुर्गा तान भी दे रहा है, हालांकि अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे तान दे रहा है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पिटबुल हमारा वो रहा उधर कोने में जाके बैठा हुआ है। टाइशन टाइशन मतलब आके इतना जल्दी फ्रेंडली हो गया मेरे साथ, ये देखो। ए ए एनीवे गाइस, तो अभी हम लोग निकलते हैं घर पे जा रहे हैं। बस आप लोग ऐसे बने रहे ब्लॉग में, और आशा करते हैं गाइस मेरी खुशी देख के आप समझ सकते हो। आप लोग भी बताएं कि आपको पेट्स कैसा लगते हैं। मुझे तो डॉग्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भी घर पे आप लोग देखा है, मेरे भी घर पे आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग में, उसका नाम जेरी है। निशा कभी कभी ब्लॉग्स में दिखाती रहती है, तो अभी हम लोग निकलेंगे घर पे। हे फैमिली गुड इवनिंग, तो अभी आ चुका हूँ क्लास में, और पता है गाइस अभी ये बहुत ही मज़ेदार घटना घटी। बच्चे थे, बच्चों को क्या दिखाऊँ, तो एक बोल रहा कि सर पता है मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था, कुछ कुछ चीज़ें थी हमने पढ़ा उड़ा दिया, तो थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे बैठ के मूड फ्रेश कर रहे थे सभी। तो एक ने बोला कि सर पता है, मैंने बोला कि बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या, तो बोला कि सर ये कुछ उन्होंने आंसर दे दिया। और फिर एक क्या करेगा सर पता है, ये ना जिसने बोला कि सर पता है ये गोरा कैसे हुआ, मैंने बोला कैसे हुआ गोरा, पहले ना ये कहता था, मैंने बोला क्या कहता था, तो बोल रहा कि नहीं तुम मत बोल, तो वो बोल ही नहीं रहा था। मैंने बोला अरे बताओ बताओ क्या बात है, कह रहा सर ये ना कोलिन लगाता था। गाइस मेरे को बहुत हंसी है ये बच्चे, चलो इनका टाइम है, हमने भी बहुत सारी शैतानियाँ की हैं, बट वो लड़का है जो कोलिन लगाता था, यू नो कोलिन जो मिरर और ये सब चीज़ें साफ करते हैं हम लोग, कह रहा सर हम तो बदनाम कर। एनीवे आप लोग बने रहे ब्लॉग में, अभी निकलूंगा मैं घर, क्लासेस सारी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों अभी फाइनली पढ़ा के आ गया, अभी गेट बंद है, अरे खोल दो भाई साहब, 5 मिनट से खड़ा था, बेल बजा रहा था, सभी लगता है सो गए हैं। बट गाइस पता है वो पुराने वाले घर पे भी गया था, एक सचिन भाई का कुछ पार्सल था वो लाने के लिए, तो अजीब सा लग रहा था उस घर पे गया था।
भाई साहब मेरे दरवाज़ा शायद यार बताओ, मेरे को लगा गेट बंद है, मैं उधर जाके एक और बेचारा सो क्यों। चलो सॉरी कोई नहीं आ जाओ। तो बस सचिन भाई का था कुछ सामान क्या? हाँ जी उतार दे रहा हूँ। बाप रे। तो दोस्तों घर के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पता है गाइस क्या हो गया, क्योंकि आज मैं दोपहर में लंच करना भूल गया था। मैं जल्दी जल्दी में इंस्टीट्यूट चला गया रेडी होकर, मैं लंच करना भूल गया। तो बट अभी मनीषा बोली कि जीजू खाना आप नहीं खाए हो। मैंने वहाँ यार देखो मैं भूल गया था खाना खाना, तो अभी जस्ट मैं लपेटूंगा खाना। बहुत ज़ोर की भूख लगी गाइस, समझ सकते हो 5-6 घंटे पढ़ाने के बाद मतलब भूखना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, सभी 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं। तो हालत पूरी ख़राब हो गई है मेरी अभी, और नींद भी आ रही है बहुत तगड़ी वाली। तो सबसे पहले तो खाते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी। और आप लोग ऐसे ही बने रहे प्लीज़ गाइज। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और हाँ गाइज जो भी नए हैं प्लीज़ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे गाइज। ओके, और आज निशा का देखिए अभी तक ब्लॉग नहीं आया, पता नहीं गाइज वो मैंने कॉल किया बट उसने उठाया नहीं, तो उसके भी आज ब्लॉग्स का मैं वेट कर रहा हूँ। वरना आप देखते हो कि वो ब्लॉग सेंड करती, क्योंकि उसको एडिटिंग आती नहीं है, तो वो ब्लॉग मुझे टेलीग्राम पर सेंड करती, फिर टेलीग्राम से उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद फिर से उसको एडिट करता हूँ, फिर किसी तरह गाइज अरेंज करके मतलब शाम तक ब्लॉग डालता हूँ, क्योंकि 6 बजे तो मैं पढ़ा के ही वहाँ से आता हूँ, तो किसी तरह 8 बजे तक जल्दी जल्दी में सब कुछ अरेंज करके डालना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, बट अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद गाइज आपसे बन मिलता हूँ आप लोगों से। तो सभी जा रहे हैं मार्केट, मंजर भी जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे क्या है कि खाना वाना खा लिया हूँ बहुत ज़्यादा, और बाहर से भी मैं फास्ट फूड खा के आ चुका हूँ। और ये खा क्या है गाइज, ले के नहीं है, जूस का नहीं बात है। मुझे लगा कि सामने तुम लोग जाओगे, मेरे साथ में एक स्टूडेंट भी था, मैं था, मेरे स्टूडेंट मस्त गोलगप्पा खाए हैं वहाँ पर, हम लोग खाते हैं मस्त गुलगप्पा खाए हैं, बनाना शेक पिए हैं, बनाना शेक खाए हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और उसके बाद गए चला। मैं बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारा याद आ रहा था। आप लोग कमेंट करना, ये लाइव मैं गुलगप्पे वाले से बोला जिस तरह हम और मनीषा खाते हैं वैसा ही बना के दे रहा, एकदम तीखा मस्त स्पाइसी झालदार गई, किनको किनको इस तरह से गोलगप्पा पसंद, मुँह में पानी आ रहा है गोलगप्पे के नाम पे, अभी जाके पक्का ये खाएगी। तो मस्त खाया गोलगप्पा और फिर चला आया, बट अभी एनीवे। तो घर के अंदर इतनी गर्मी लग रही है और बाहर इतना खूबसूरत हवा चल रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बाकी ये लोग जा भी नहीं रहे हैं जल्दी से, कबूतर निकाल रहे सचिन भाई। एक्चुअली गाइस जो बताया था ना एग्जॉस्ट फैन था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, तो हम लोग सोच रहे कि कबूतर को शिफ्ट कर दे कहीं और। हाँ मनीषा नया नया स्कूटी चलाना सीखिए गाइस, तो इसको एकदम ये हो गया है, जल्दी हम लोग स्कूटी लेने वाले हैं, ये भी एक सरप्राइज रहेगा। किस दिन लेकर तो आ जाऊँ मैं, बहुत सारी लड़कियाँ लेके आती है स्कूटी। देखिए ये रहा हमारा जिसमें हम लोग घर रहते हैं। तो सचिन भाई का आपने होम टूर देखा ही होगा, जिसमें आपने मेरे भी रूम को देखा होगा, सचिन भाई का भी रूम देखा होगा, तो ये देखा। और यहाँ से देखो कितने पास है वो प्लॉट, देखिए पीछे तो काफ़ी मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 yards के आसपास होगा, और 100 yards से भी कम होगा, यहीं पर है। बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में, आशा करती है हमारा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा गाइस। तो अगले ब्लॉग कुछ और धमाकेदार होगी, क्योंकि इस ब्लॉग में निशा नहीं है, तो खुद मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, मैं भी उसे मिस कर रहा हूँ। तो बस आप लोग बने रहें।